अभिजीत ऑफिस से निकलकर अपनी कार में बैठकर घर की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक छोटी बच्ची कुछ मुर्गों के बच्चे लेकर पहुँच जाती है और उससे कहती है, अंकल एक छोटा सा बच्चा बस 25 रुपया है, ले लीजिए ना अंकल प्लीज। अगर आप एक मुर्गा खरीदेंगी तो मुझे 25 रुपया देंगी, मैं उस पैसे से कुछ खाना खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। अभिजीत को इस मासूम बच्ची पर दया आ जाता है, वो मुर्गों की बच्चे खरीद लेता है, उनको लेकर घर आ जाता है। घर में उसका पत्नी किरण और बच्चे राजू और पिंकी होते हैं। अभिजीत का छोटा सा परिवार था लेकिन बहुत ही खुशहाल परिवार था। अभिजीत एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसकी तनख्वाह से उनका घर अच्छे से गुजारा हो जाता था। मुर्गों के बच्चे देखकर उसकी पत्नी बोलती है, अरे आप ये मुर्गों के बच्चे कहाँ से ले आए? पापा कितने प्यारे हैं ये बच्चे। और कितना मुलायम भी है, एकदम कॉटन की तरह, मुझे तो इनको छूकर बहुत अच्छा लग रहा है। सारी बातें बाद में बताऊंगा, पहले किरण तुम जाकर जल्दी से मेरे लिए 2 ऑमलेट बना लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, आज मीटिंग थी जिसके वजह से लंच भी मिस हो गया था। अपने हाथ का ऑमलेट खिला दो, फिर बताता हूँ मुर्गे के बच्चे मुझे कहाँ से मिला। अरे वाह ऑमलेट, माँ मैं भी एक खाऊंगी। और मेरे लिए भी एक। हाँ हाँ सब के लिए बनाऊंगी, जरा शांत हो जाओ, पहले तुम्हारे पापा को दे दूँ, उन्हें बहुत भूख लगी है ना, और तब तक तुम दोनों मुर्गी के बच्चों के साथ खेलो, और हाँ उन्हें कुछ खाने को भी दे दो। अभिजीत हाथ मुंह धोकर ऑमलेट खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। किरण ऑमलेट बनाकर लाती है। अभिजीत ऑमलेट खाते खाते कहता है, सच में किरण तुम्हारा हाथों में तो जादू है, तुम्हारा जैसा ऑमलेट कोई नहीं बना पाता, मैं ऑफिस में जो ऑमलेट मंगाता हूँ ना उसमें ऐसा स्वाद ही नहीं होता है, तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ ऑमलेट में वो बात है। सच में मैं अगर इस कंपनी में जॉब नहीं करता तो अपनी ऑमलेट की दुकान खोलता और तुम्हें अपना दुकान का बॉस बनाता। आप भी ना इतना ज्यादा तारीफ मत किया कीजिए कि मैं खुद को मास्टर शेफ समझने लगूं। असल में ऐसी कोई बात ही नहीं है, आपको तो बस मेरी तारीफ करने की मौका चाहिए होता है। अरे तुम्हें मेरी बातों को झूठ लगता है क्या? बच्चों से पूछ लो, क्या बच्चों बताओ जरा, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ तुम्हारे मम्मी से? तुम्हारे मम्मी के हाथों का बनाया हुआ ऑमलेट का टेस्ट मक्खन जैसा होता है ना, या नहीं? हाँ माँ पापा एकदम ठीक कहता है, आपके हाथों में सच में जादू है। स्कूल में मैं जब अपने टिफिन खोलता हूँ ना तो आपके बनाया ऑमलेट की खुशबू सभी बच्चों को पता चल जाता है, और वो हमेशा अपना लंच बॉक्स मुझे दे देता है और मेरा लंच वो लोग खा जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है मान लिया, अब ये तो बताओ कि मुर्गी के बच्चे किस खुशी में खरीद कर लाए आज? अरे मैं जैसे ही ऑफिस से निकला तभी एक मासूम छोटी सी बच्ची मेरे पास आई और इसे खरीदने की रिक्वेस्ट करने लगी, मुझे भी ये बच्चे से बहुत दया आने लगा तो मैंने खरीद लिया। अभिजीत उन बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बना दिया, राजू और पिंकी उन बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। कुछ दिनों बाद ही वो मुर्गी के बच्चे बड़े हो गए और अंडे देने लगे, देखते ही देखते उनके पास 4 मुर्गे और 25 मुर्गियां हो गई थी। एक दिन ऑफिस से जब अभिजीत घर आया, अरे क्या हुआ आज आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, ऑफिस में ज्यादा काम था क्या? नहीं काम तो ज्यादा नहीं था, लेकिन कई दिनों से बहुत थका महसूस हो रहा है मुझे, बीच बीच में बुखार भी आ जाता है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है मुझे। किरण अभिजीत को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे चेक करके कुछ दवाइयाँ दे देता है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। घर आने के बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह जब किरण उठती है तो देखती है कि अभिजीत तभी तक नहीं उठा है। अरे उठिए, ऑफिस नहीं जाना है क्या? इतनी देर तक तो आप कभी नहीं सोते हैं। अभिजीत फिर भी नहीं उठता है। किरण उसके पास जाता है और देखता है कि अभिजीत मर चुका है। वो बहुत रोती है और सोचती है कि आगे क्या होगा।
उसकी और उसके बच्चों के सहारा हमेशा के लिए जा चुका था। किरण को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि बच्चों के ख्याल अब वो कैसे रखे। तुम्हारे पापा मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी, मैं कैसे तुम दोनों की पढ़ाई पूरी करूंगी, कैसे तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा करूंगी। राजू और पिंकी को कुछ समझ नहीं आता है वो अपनी माँ को कैसे संभाले। फिर भी दोनों किरण के आंसू पोंछते हैं और उन्हें गले लगते हैं। अभिजीत के जाने के बाद किरण की दुनिया उजर गई थी, लेकिन बच्चों की तरफ देखकर वो कैसे भी जी रही थी। धीरे धीरे उनका घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। एक दिन किरण सोचती है, अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे मासूम बच्चे नहीं जी पाएंगे, ये घर कैसे चला पाऊंगी, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी स्कूल से बच्चे आ जाते हैं और वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से ऑमलेट बना दो ना। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, दो ऑमलेट मेरे लिए भी बना दो ना। किरण ऑमलेट बनाने के लिए मुर्गों के पास आते हैं और इतने सारे अंडे देखकर वो सोचने लगती है, मुझे ऑमलेट बनाना बहुत अच्छी से आता है और सब कहते हैं कि मैं ऑमलेट बहुत अच्छी बनाती हूँ, क्यों ना मैं एक ऑमलेट बेचने का दुकान लगाऊं। किरण को ऑमलेट बेचने का आइडिया मिल गया था। वो देर किए बिना दूसरे दिन ही अपने घर के सामने ऑमलेट बेचने की दुकान खोल दी। आइए स्वादिष्ट ऑमलेट खाइए, इतनी स्वादिष्ट ऑमलेट आपने कभी नहीं खाई होगी, एक बार खाइए बार बार आइए, आइए गरम गरम ताजे ताजे ऑमलेट खाइए। किरण की आवाज सुनकर आने जाने वाले लोग धीरे धीरे उसके दुकान के सामने आते हैं। किरण के हाथों के बने हुए ऑमलेट खाकर बहुत अच्छे बोलते हैं और बार बार उसके दुकान में ऑमलेट खाने के लिए आते हैं। ऐसे ही उसके ऑमलेट का बिजनेस बहुत अच्छे से चल जाता है। तभी एक दिन उसके दुकान में एक गुंडा आता है और वो उससे हफ्ता मांगता है। क्यूड़े ऑमलेट वाली, तुझे नोटिस भेजा था ना, और फिर मेरे आदमियों ने आकर भी तुझे धमकाया भी था, फिर भी तूने मेरा हफ्ता नहीं दिया, अब देख देख तेरा क्या करता हूँ मैं। किस बात का हफ्ता दूँ मैं तुम लोगों को, मेरी दुकान, मेरी अंडे, मेरे ऑमलेट, मेरी मेहनत, तो मैं तुम गुंडों को क्यों हफ्ता दूँ। तुम लोग अगर यहाँ से नहीं चले गए ना तो मैं अब भी पुलिस को फोन करूँगी। गुंडे किरण की बात सुनकर बहुत गुस्से हो जाते हैं, वो बहुत नुकसान करते हैं, सारे सामान फेंक देते हैं, उसके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। पिंकी बहुत रोती है, सबके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आती है। उसकी बेटी पिंकी काफी समझदार थी, वो ये सब देखती है और एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल देती है। आज के लिए इतना तमाशा काफी है, अगर तूने आगे भी मेरा हफ्ता नहीं दिया तो मैं तेरी जिंदगी का तमाशा बनाकर लग दूंगा और उठाकर ले जाऊंगा अगली बार तुझे। गुंडे वहां से काफी नुकसान करके चले जाते हैं। किरण रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई सबके सामने बोलती है, लेकिन कोई भी उसका मदद नहीं करता है। तब वो अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चली जाती है और बहुत रोती है। तभी दरवाजे का बेल बजता है, किरण जाकर देखता है तो वहाँ सामने एक पुलिस खड़ा होता है। तुम ही किरण हो क्या? ऑमलेट की दुकान चलाने वाली औरत तुम ही हो ना? हाँ जी साहब, मैं ही हूँ, क्या बात है? आपके साथ जिन गुंडों ने बदतमीजी की थी उन्हें पकड़ लिया गया है, आपको थाने आकर उनके खिलाफ FIR लिखवाना पड़ेगा, तभी हम उनसे उनके खिलाफ कुछ सजा दे पाएंगे। उन्होंने वैसे तो बहुत क्राइम किया है पहले, लेकिन कोई गवाह नहीं मिलने के वजह से आज तक हम लोग उनका कुछ भी बिगड़ नहीं पाए हैं। हमारे डिपार्टमेंट ने आपका यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था तो हमें सबूत मिल गया है, और अगर आप गवाही दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। कौन से यूट्यूब वीडियो, आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पर मैं जरूर गवाही दूंगी, उन बदमाशों ने ना जाने कितने गरीबों के साथ ऐसा किया होगा। तभी पिंकी भागकर अपनी मम्मी के पास आ जाती है और कहती है,
माँ, वो यूट्यूब पर वीडियो मैंने डाला था जब गुंडे आपको परेशान कर रहे थे, कोई आपका मदद नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आपने उनको हफ्ता नहीं दिया, उनके सामने नहीं झुका, इसीलिए वो वीडियो बहुत वायरल हो गया है और सभी लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। शाबाश बेटा, तुम अपनी मम्मी की तरह ही बहादुर हो और समझदार भी। अच्छा किरण जी, अब मैं चलता हूँ, कल आप थाने आ जाना और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देना। पुलिस के चले जाने के बाद किरण पिंकी को गले लगाती है और धीरे धीरे उनका सब कुछ ठीक होने लगता है। दूसरे दिन किरण जाकर गवाही दे आता है तो उन गुंडों को भी सजा मिल जाती है। लोग किरण की बहुत तारीफ करते हैं और सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूर एक शहर में नैना नाम की एक लड़की अपनी माँ कल्पना और पिता कैलाश के साथ रहता था। बचपन से ही नैना को चिकन खाने का बहुत शौक था। वो हर रोज खाने में चिकन खाया करती थी। फिर एक दिन नैना स्कूल से घर लौटकर अपनी माँ से पूछा, माँ आज खाने में क्या बना है? बेटा बहुत दिन हो गए थे तुझे गोभी के सब्जी खाए हुए, तो मैंने आज वही बनाया है। क्या माँ, आज तुमने चिकन नहीं बनाया, लेकिन क्यों? तुम्हें तो पता है मुझे चिकन कितना पसंद है, अब मैं क्या खाऊंगी? अभी ये खा लो, रात में चिकन बना दूंगी। मैं तेरे पापा से कहूंगी आते वक्त चिकन ले आए। नहीं, मुझे दिन में भी चिकन चाहिए तो चाहिए। बेटा ज्यादा चिकन खाना भी अच्छा नहीं होता है, थोड़ी सब्जी भी खा लिया करो। मैं बस आज दिन में चिकन ही खाना है। फिर कल्पना फौरन बाजार चली जाती है, बाजार से फौरन चिकन खरीद कर लाती है, फिर उसे बनाकर नैना को खाने में देती है। आए दिन ऐसे ही नैना हर रोज चिकन खाया करती थी। देखते देखते वक्त गुजरता गया और नैना बड़ी हो गई। एक दिन वो अपनी सारी सहेलियों से कहती है, दोस्तों बहुत दिन हो गए किसी रेस्टोरेंट में नहीं खाए, चलो आज किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। हाँ सही कह रही हो तुम, आज हम ऐसा ही करते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो चला जाए। शाम के वक्त वो तीनों रेस्टोरेंट चली जाती है। वहाँ वेटर आकर कहता है, मैम आप लोग क्या लेना पसंद करेंगी? नैना तुम ऑर्डर करो। मैं तो चिकन मंगाने वाली हूँ, क्या तुम लोग भी वही खाओगी? हाँ मंगा लो। एक काम करिए, मेन्यू में जितने भी चिकन के डिशेस हैं सारे ले आइए। जी मैम, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सर्विस बॉय वहाँ से चला जाता है। तब प्रिया कहती है, अरे तू इतना सारा चिकन मंगवाया है, हम इतना सारा चिकन कैसे खत्म कर पाएंगे? तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, ये तो कुछ भी नहीं है। तू मुझे इस रेस्टोरेंट में मौजूद सारे चिकन दे दे, तब भी मैं वो सारे खत्म कर दूंगी। बाप रे, इतना सारा चिकन खाती है तो मन नहीं भरता है क्या? तू पागल है, चिकन से भला मन भरता है क्या? फिर सर्विस बॉय सारा डिशेस ले आता है। प्रिया और सुहानी उन डिशों में से थोड़ा थोड़ा खाकर ही उन लोगों का पेट भर जाता है, लेकिन नैना फटाफट चिकन खाने लगती है। देखते देखते टेबल के सारे डिशेस वो खत्म कर लेती है। ये सब देख प्रिया कहती है, मानना पड़ेगा तुझे नैना, सारा चिकन कितनी जल्दी खत्म कर दिया तूने। अच्छा अब चल। वो लोग रेस्टोरेंट के सारा बिल पे कर देती है। फिर बाहर निकलकर प्रिया कहती है, नैना आज तो पक्का घर में डांट पड़ने वाला है, हम लोगों ने तो पॉकेट मनी का सारा पैसा खर्च कर दिया है। हाँ तो क्या हुआ, कितना मजा आया, ये तो देख ये सारे चिकन के डिशेस कितनी टेस्टी थे, मुझे तो मजा ही आ गया। नैना जब अपनी घर जाती है तब उसकी माँ उसे कहती है, नैना खाना नहीं खाना है क्या? नहीं माँ, आज मैं दोस्तों के साथ बाहर से खाना खाकर आई हूँ। क्या बाहर से खाकर आई है, यानी आज फिर से सारा पैसा खर्च करके आई होगी? हाँ माँ, वो मेरे सारे फ्रेंड्स गए थे ना साथ में, तो वही से खा लिया मैंने। नैना तू ऐसे ही पैसा उड़ाते रहेगी तो हम तेरी शादी कैसे करवाएंगे? मत तुम भी ना, इतनी जल्दी शादी कोई करता है भला? कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना। नैना तब कुछ नहीं कहती,
और वहाँ से चली जाती है। तब कल्पना मन ही मन सोचती है, क्या होगा इस लड़की का, मुझे तो बस इसकी ही चिंता लगी रहती है। दिन गुजरता जाता है और नैना की ये आदत बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिस दिन घर में चिकन नहीं बनता था वो बाहर से चिकन खाकर चली आया करती थी। उसके मम्मी पापा भी उसके इस हरकत से परेशान हो गए थे। एक दिन उसकी माँ कैलाश से कहती है, देखो ना कैलाश, नैना की आदत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या करे अब इस लड़की का, मैं तो तंग आ गया हूँ। उसकी उम्र भी हो रही है और उसका तो पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं है। क्यों ना हम एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे। हाँ ये सही कहा तुमने, मैं रिश्ते की तलाश करता हूँ। 3 महीने के बाद नैना की शादी जिगर नाम के एक लड़के के साथ हो जाती है। जिगर के घर में उसकी माँ अनीता रहती थी। शादी के बाद नैना घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाने लगती है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहता है। अनीता और जिगर नैना को काफी प्यार किया करते थे। एक दिन अनीता नैना से कहती है, बाहू आज मेरा एक दावत है तो तू आज मेरे लिए रात का खाना नहीं बनाना। मैं तो कहती हूँ जिगर को फोन कर ले, वो तुझे कहीं बाहर डिनर करवाने ले जाएगा। ये सुनते ही नैना काफी खुश हो जाती है और फौरन जिगर को फोन करके सब बताती है। शाम को जिगर नैना को लेने आता है। जब वो लोग एक साथ जा रहे थे तब जिगर नैना से पूछता है, नैना तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। फिर भी बताओ ना, तुम्हें कौन सी जगह ज्यादा पसंद है? कुछ खास तो नहीं, मगर हाँ जहाँ का चिकन सबसे अच्छा हो वहाँ चलो। क्या चिकन, पागल, मैं तुमसे तुम्हारी पसंदीदा जगह के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम खाने के बारे में बता रही हो। हाँ जिगर, मुझे चिकन बहुत पसंद है, इतना कि तुम मुझे जितना चिकन दोगे मैं सारा खत्म कर दूंगी। चलो तब सही है, चलते हैं चिकन खाने। वो लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और ढेर सारा चिकन ऑर्डर करते हैं। आए दिन अब नैना घर में रोजाना चिकन बनाने लगी। एक दिन उसकी सास ने उससे कहा, अरे नैना क्या तू रोज रोज चिकन खाती रहती है, अब बस भी कर। ये कितना अच्छा लगता है माँ जी। बेटा तू ही इसे समझा, ज्यादा चिकन खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ नैना, माँ बिल्कुल सही कह रही है, ज्यादा चिकन खाने से तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तब वो और कुछ नहीं कहता है और नैना ऐसे ही चिकन खाने लगती है। लेकिन एक दिन सुबह नैना की तबीयत काफी खराब हो जाती है, उसे काफी उल्टियाँ होने लगती है। या क्या हो गया तुम्हें नैना, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। जिगर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। सब जांच करने के बाद डॉक्टर कहता है, नैना तुम चिकन बहुत ज्यादा खाती हो ना? जी डॉक्टर। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर? ज्यादा चिकन खाने की वजह से नैना के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ गया है और इन्हें फूड पॉइजनिंग भी हो गई है। अगर अभी आपने कंट्रोल नहीं किया तो आगे चलकर बहुत परेशानी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर नैना काफी उदास हो जाती है और घर जाकर जिगर नैना से कहती है, मैंने कहा था ना नैना तुम्हें ज्यादा चिकन नहीं खाना है, मगर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गई थी, अब मुझे समझ आ गया है, अब मैं चिकन नहीं खाऊंगी। तब से नैना चिकन खाना छोड़ देती है।